नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। इस समय हम मौजूद हैं रीवा के फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में। यहां पर आज एक लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना काल में किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक सेमिनार हो रहा। तमाम हमारे साथी भी हैं, उसमें मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे, जानेंगे बघेलघंड की संस्कृति और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनकी नज़र में क्या कुछ बेहतर है। आज जो ये कार्यक्रम किया गया अत्यंत सराहनीय और रीवा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैंने पहली बार इस भवन को और यहाँ का इनका सिस्टम देखा। मुझे लगा कि रीवा में ऐसी चीज़ जानकारी के अभाव में जो नए बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है उससे ये दूर हैं। जानकारी का अभाव निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। जानकारी का अभाव, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना साजो सामान जानकारी के अभाव में बेकार पड़ा हुआ है। मेरा मानना है कि रीवा के यंग जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा मौका है और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और एक नए फील्ड में पढ़कर काम करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उनको ग्रैब करना चाहिए और इस इंस्टीट्यूट को यहाँ प्रमोट करना चाहिए। निश्चित रूप से इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट प्रमोट होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या सोचना है आपका? बच्चों में हमेशा यही रहता है कि ना बड़े हो के क्या तो इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके अलावा कोई फील्ड देखते ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे बताया पहले भी कि लैक है, कि ना पहुँच नहीं पाता है। तो इस वजह से होटल टूरिज्म होटल इंडस्ट्री मैनेजमेंट हुआ या फिर टूरिज्म हुआ, इस सब में भी जाने, और ये तभी हो पाएगा जब उसका अपन प्रचार करें, तभी बच्चों तक पता चल पाएगा कि इवन टेंथ के बाद में भी आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में भी पढ़ाई करके अपना और अपने परिवार का पेट भरा जा सकता है। निश्चित रूप से इस साल जो दो कोर्स चालू हो रहे हैं उसको देखकर यही कुछ लगता है। निश्चित रूप से सर, रोजगार के अवसर इस कोर्स में अपार है। इस कॉलेज से आपको बहुत तरह तरह के कोर्सेज मिलेंगे जिससे आप अपनी कुशलता और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स बढ़ाकर देश और विदेश की नौकरियां पा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति विख्यात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से देश विदेश में भी रोजगार पाने के अवसर हैं। राजनारायण जी, आप बहुत दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। खजुराहो बनारस प्रमुख मार्ग है, रीवा सेंटर है, उस तरीके से आपको क्या नहीं लगता कि रीवा के बघेलखंड के खास तौर से अगर बात की जाए तो टूरिज्म को उस तरीके से बढ़ावा नहीं मिला जैसे मिलना चाहिए? बघेलखंड हमारा इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है और खजुराहो और ये तो एक मंदिर को लेकर चर्चित है, बघेलखंड अपने आप में चर्चित है और यहाँ का व्यंजन और यहाँ की खाद्य सामग्री और यहाँ की कलाकृतियाँ विश्व में धरोहर हैं। हमारा सफ़ेद शेर तो रीवा की अमानत थी। निश्चित रूप से सफ़ेद शेर और सुपारी के खिलौने की आप बात करेंगे। हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट में काम करने वाले भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आप, क्या करते हैं? जी सर नमस्कार, मैं विपिन द्विवेदी यहाँ से भूतपूर्व छात्र हूँ। सर अभी मेरी हम लोगों की कोर्स कम्प्लीट होने को है, बस हम लोगों का ट्रेनिंग होगा 6 महीने का। यहाँ पे हमारा मानना है कि सर बहुत कम समय में पढ़ाई में और स्किल कम समय में अच्छी स्किल आपको मिले। यस सर, मैं कैलाश सुधी पांडे एफसीआई रीवा में छात्र हूँ। जो यही कहना चाहूँगा, फूड एंड बेवरेज सर्विस मेरा डिपार्टमेंट है, तो लोगों को मतलब कि अदर इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमारी इंडस्ट्री में एक बार आके देखें और पढ़ाई करें। सर आपके इंडस्ट्री? मेरा नाम वीरेंद्र पांडे है, मैं फूड एंड सर्विस बेवरेज सर्विस से मतलब स्टूडेंट हूँ। यस सर, यहाँ मतलब स्किल्स बहुत अच्छी मिलती हैं सर। स्किल अच्छी मिलती है, हमारे साथ स्किल अच्छी मिलती, तमाम तरीके की यहाँ के लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ संस्था के प्राचार्य भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी तक का पिछला सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पिछले विगत 3 सालों से हम निरंतर प्रयास में हैं कि इंस्टीट्यूट की आसपास में ख्याति बढ़े, और इस प्रयास से हम हैं कि दूर दराज गाँव में जो लड़का बैठा है वो कहीं ना कहीं इस कोर्स के बारे में अवगत हो जाए और इस कोर्स का लाभ ले। शासन की मंशा के तहत यह प्रकल्प केवल उन संकल्पित लोगों के लिए है जो बेरोजगार है, वो 10वां पास हो या 12वां पास हो, उसे प्रशिक्षित कर हम रोजगार में उसकी सहायता करते हैं। सिर्फ रोजगार ही नहीं, स्वयं रोजगार में भी सहायता करते हैं। और यहाँ की एक और खासियत है, सबसे अच्छा खानसामा या कुक अगर कहीं से मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा। अब ये विरासत की देन है, अब इस विरासत की देन और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ हैं, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रीवा। इस साल हमारा यह उद्देश्य है कि इस प्रकल्प का, इस शासकीय उपक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ लें। इस साल
बघेल खंड के व्यंजन को बढ़ाने का टूरिज्म विभाग ने प्लान किया है, उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है आने वाला समय रीवा के युवा रोजगार बेरोजगारों के लिए काफी बेहतर साबित होने जा रहा है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।